हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के मूवी का नाम है कॉस्मोबॉल। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एलियन दिखाया जाता है जो सन को मैसेज में अपने वापस लौटने की न्यूज़ देता है और बताता है कि शुरुआत में दो एलियंस के बीच में फाइट होती है, जिसमें एक का नाम बेलो होता है और दूसरे का नाम चेरनो था। चेरनो वार के लिए एक वेपन बनाता है जिसका नाम था वेव हीटर। वो ऐसा खतरनाक वेपन था जिसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉल्स निकलते थे जिससे कि एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता था। एक दिन चेरनो और उसकी शिप मून से टकरा गई और मून पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और चेरनो और उसकी शिप अर्थ पर आ गए। शिप के आते ही अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। न्यू डिजीज ने पैदा लिया, वहां के एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आ गए। तभी बेलो ने चेरनो को अर्थ पर ही कैद कर लिया, लेकिन चेरनो के बॉल में ऐसी पावर्स थे जिससे वो अर्थ से भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अर्थ के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो सभी लोग इस बॉल से गेम खेलते थे जिसमें बॉल का नाम कॉस्मोस रखा गया था। काफी साल गुजरने के बाद अर्थ पर भी ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। इस गेम को इंसान और एलियंस खेला करते थे। दूसरी तरफ चेरनो की पावर कम हो रही थी। अब मूवी को 2071 में देखते हैं, जहां मूवी के हीरो एंटन पर लैंप गिरता दिखाई देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। हमें पता चलता है कि ये लैंप चेरनो की बेटी एन्या ने गिराया था। अब एन्या चेरनो की शिप में आ जाती है। चेरनो उसे बताता है कि एंटन के बॉडी में ऐसी पावर्स है जो किसी एक्साइटमेंट या शॉक पर शो होगा। चेरनो को अपने न्यू इन्वेंशन के लिए उन पावर्स की जरूरत थी, इसलिए वो एन्या को कहता है कि एंटन को मार दो। तभी हमें पता चलता है कि चेरनो अभी भी एनर्जी बॉल रिलीज कर रहा है जिससे इंसान और एलियंस दोनों ही लड़ रहे थे। सभी लोग इस गेम को बहुत पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एंटन को देखते हैं जो जॉब के लिए किसी लेडी के पास जाता है, लेकिन वहां पर वो लेडी उसी गेम को देखने में बहुत बिजी थी और एंटन को रिफ्यूज कर देती है। वहां बेलो को पता चलता है कि चेरनो न्यू इन्वेंशन की तैयारी में लगा हुआ है जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग उसके शिप में जाते हैं, लेकिन चेरनो अपने इन्वेंशन को बचा लेता है। यहाँ हम गेम की तरफ देखते हैं जहाँ टीम अर्थ के लोग फाइनल में थे। एंटन जॉब न मिलने की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी और उसके पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। अब वो दवाइयों के लिए मेडिसिन शॉप पर चोरी करने जाता है। वहाँ उसकी हेल्प एक लड़की करती है। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है। वो भाग ही रहा था कि तभी उसके सामने एक कार आकर उसे हिट कर देती है। एंटन डिसअपीयर होकर कहीं और चला जाता है। इसका मतलब उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर एक्टिवेट हो गई थी। दूसरी तरफ बेलो जो मून को रिपेयर करने में बिजी था, उसे पता चलता है कि ऐसे इंसान ने टेलीपोर्ट किया है जिसके बारे में वो नहीं जानता। एंटन टेलीपोर्ट होने के बाद भी वही सेम जगह पर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वहां पर उसे वही मेडिसिन स्टोर वाली लड़की मिलती है। वो एंटन को लेकर एक टनल में चली जाती है। वहाँ पर वो एंटन के सिर से कुछ बाल निकाल लेती है ताकि वो अपने फादर को इन्वेंशन के लिए दे सके। अब चेरनो एंटन का डीएनए लेकर इन्वेंशन स्टार्ट करता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। अब चेरनो एन्या को कहता है कि एंटन को मार दो। अब हम एंटन के घर में देखते हैं। जैसे ही वो घर में एंट्री करता है, वहाँ बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि एंटन उन लोग की टीम में शामिल हो जाए। पहले तो एंटन मना कर देता है, लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि वो उसकी माँ का इलाज करवाएंगे, तब वो मान जाता है। इसके बाद वो लोग एंटन को अपने शिप पर ले जाते हैं। वहाँ एंटन के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है जो कि सभी प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। साथ ही बेलो एंटन की ट्रेनिंग भी कर रहा था क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख ले। शुरुआत में जब एंटन को थोड़ी परेशानी होती है, तब उनकी टीम की एक लड़की जिसका नाम नताशा था, वो उसकी हेल्प करती है। बेलो एंटन से बहुत खुश था क्योंकि
एंटन ने बहुत जल्दी ही अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। वहीं बेलो और नताशा एंटन की मॉम का ध्यान रखने लगे और तब नताशा एंटन को भी पसंद करने लगी थी और इसीलिए अब वो एंटन की मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। एक दिन एंटन की मॉम और नताशा आपस में बात कर रहे थे, तब एंटन की मॉम उसे बताती है कि जब एंटन जन्म लेने वाला था तब मून डिस्ट्रॉय हुआ था और कोई शार्प ऑब्जेक्ट मेरी बॉडी से टकराया था, शायद यही उसकी टेलीपोर्टेशन की वजह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आन्या एंटन को अपने मीटिंग प्लेस पर बुलाती है। वहाँ वो उससे मीठी मीठी बातों में उलझाए रखती है और उसे एक पॉइजनस फूल देती है और कहती है कि तुम एयरशिप में जाकर इस फूल को स्क्वीज करोगे तो वहाँ पॉइजन फैल जाएगा। पहले तो एंटन मना करता है लेकिन फिर एनिया के नाराज होने पर वो मान जाता है क्योंकि वो एनिया को पसंद करता था और वैसे भी उसे कॉस्मो बॉल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में सभी गेम खेलने के लिए रेडी थे और मेन टाइम पर एंटन गेम खेलने से मना कर देता है जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर बेलो एंटन को वहां से दूसरी जगह ले जाता है और इन बॉल्स की सच्चाई बताता है और ये भी कहता है कि ये बात गेम के प्लेयर्स तक को पता नहीं है, बस वो सभी लोग इसे गेम समझते हैं। बेलो एंटन को बताता है कि उसने चेन्नो को कैद तो कर लिया है लेकिन इन्वेंशन करने से रोक नहीं सकता क्योंकि अगर हमने उसके लैब को बर्बाद करने की कोशिश की तो ये अर्थ भी मून की तरह टूट के बर्बाद हो जाएगा। एंटन सारी सच्चाई जानने के बाद अपनी गलती का एहसास करता है और उसे सुधारने की कोशिश भी करता है। अब एंटन दौड़कर उस जगह जाता है जहां उसने पॉइजन फेंका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पर काफी पॉइजन फैल चुका था। उधर बेलो उस शिप से सभी को बाहर निकाल लेता है और शॉप का इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देता है। एंटन कॉस्मो बॉल से लड़ना शुरू कर देता है और तभी उसे एन्या का बुलावा आता है तो वो अपना रोबोट साइड में रख कर उससे मिलने चला जाता है। वहाँ एन्या उसे पैरालाइजिंग गैस सुंघा कर पैरालाइज कर देती है और ये बताती है कि वो उसे बहुत सालों पहले से जानती है और बहुत समय से उसे स्टॉक कर रही थी और एन्या उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर एन्या उसके स्किन में निडल छुपा कर उसका डीएनए ले जाती है और अपने फादर को दे देती है। फिर चेनो एंटन के डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करता है और उससे एक क्रिएचर रेडी होता है और चेनो उसे अपने माइंड से कनेक्ट करता है। उधर एंटन को देखते हैं जहां वो अभी तक पैरालाइज पड़ा हुआ था, वहीं एंटन का रोबोट और बेलो आते हैं। वीडियो स्ट्रीम के जरिए चेनो बेलो को कहता है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी हमें ये पता चलता है कि चेन्नो को भी क्रिएट करने वाला पेलो ही था। दूसरी तरफ हम चेन्नो के बनाए हुए क्रिएचर को देखते हैं। वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। बेलो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती मानता है और कहता है कि कॉस्मो बॉल कोई गेम नहीं है, वो एक जंग है। इसी के साथ वो अपने शिप को स्पेस में ले जाता है। यहाँ पर नताशा बेलो से पूछती है कि क्या सच में आपने चेन्नो को बनाया था, क्योंकि उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोबारा पूछती है, तब बेलो उसे सब कुछ बताने लगता है कि उसने अपनी हेल्प के लिए चेन्नो को इन्वेंट किया था, लेकिन उस समय मेरी गलती ये थी कि मैंने उसमें इमोशंस डाल दिए और वो इमोशंस नेगेटिव पावर में बदल गए, जिसकी वजह से चेन्नो एक डेविल बन गया है। दूसरी तरफ हम उसी खतरनाक क्रिएचर को देखते हैं जिससे चेन्नो एनर्जी बॉल्स रिलीज कर रहा था। सभी प्लेयर्स बॉल से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन शहर में स्टेडियम नहीं था, जिसकी वजह से शहर में बहुत नुकसान हो रहा था। उस क्रिएचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे शिप्स कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन वो सबको डिसेबल कर देता है। एंटन अपने रोबोट से माफी मांगता है और वो प्रोटेक्शन सूट के बिना ही बहुत सारे लोगों को बचाने लगता है। एनर्जी बॉल से लड़ते हुए एक बॉल एंटन को हिट कर जाती है। इससे पहले कुछ होता उसका रोबोट उसे बचा लेता है और उसका प्रोटेक्शन सूट उसे देता है। एंटन प्रोटेक्शन सूट पहनकर अपने हिम्मत और अपने पावर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था
और अब वो सभी एनर्जी बॉल्स को डीएक्टिवेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बेलो को देखते हैं, जो अब एलियन जैसा दिख रहा था। अब वो और नताशा दोनों टेलीपोर्ट होकर चेनो के शिप पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। बेलो चेनो से लड़ता है और नताशा एनिया का मुकाबला करती है। बेलो के पास फ्रीजिंग पावर थी, जिसकी मदद से वो मशीन्स को फ्रीज कर रहा था। चेनो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेलो उसे ही फ्रीज कर देता है। उधर एन्या और नताशा को देखते हैं। एन्या के पास एक स्पेशल पावर होती है, जिससे वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो इसी पावर से नताशा का रूप ले लेती है और बेलो के पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे पैरालाइजिंग गैस सुंघाकर पैरालाइज कर देती है। ऐसा करके वो अपने फादर को बचा लेती है। इससे पहले कि चेनो बेलो को मारता, तभी वहाँ पर एंटन आ जाता है। वो आते ही एन्या को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। चेनो एंटन को पाने के लिए अपनी बेटी को मार देता है और एंटन को दीवार के सहारे चिपका देता है, जिसके कारण वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता है। फिर चेनो बेलो को भी मार देता है। एन्या मरते वक्त एंटन को सारी सच्चाई बताती है कि वो क्रिएचर तुम्हारे डीएनए से बना हुआ है, जिसे तुम आसानी से काबू में कर सकते हो। ये कहते ही वो वहाँ मर जाती है। एंटन जल्द ही लंबी सांस लेकर सारी पावर्स जमा करता है और उस क्रिएचर से जुड़ता है। अब वो क्रिएचर शांत हो जाता है और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका रियल मालिक एंटन है। एंटन के मना करने से अब वो कोई भी बर्बादी नहीं करता, बल्कि वो नताशा को भी बचाता है और चेनो के वेव हीटर को सन की तरफ फेंक देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम देखते हैं अर्थ पर जितनी भी एनर्जी बॉल्स थी वो सब रुक चुकी थी। अब बेलो एयरशिप की न्यू कैप्टन नताशा सभी लोग को बताती है कि वो बॉल्स की पावर से अर्थ पर न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती है। उधर एंटन अपने कुछ पावर से और क्रिएचर की मदद से मून को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एंटन और नताशा एक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।